नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बी प्रजापति आज फिर आपके बीच में एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं ये बताने वाला हूं कि अधेड़ी की बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है और इसके इलाज क्या क्या हैं। तो दोस्तों, अधेड़ी के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए मेरे वीडियो में बने रहें, और जो नए व्यूवर्स हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। यह बीमारी एक संक्रमित बीमारी है, जिस प्रकार से चेचक की बीमारी होती है। दोस्तों, अधेड़ी को अंग्रेजी में जोस्टर हर्पीज की बीमारी बोलते हैं। दोस्तों, यह एक वायरल इन्फेक्शन है। यह पर जहाँ पर होता है, दाने हो जाते हैं और उसके ऊपर एक पन्नी पन्नी जैसा दिखता है और अंदर फ्लूड भरे होते हैं। तो दोस्तों, देखने में ये देखिए, स्किन में हम दिखा रहे हैं, इस प्रकार की बीमारी ऐसे हो जाती है, इसको अधेड़ी बोलते हैं। दोस्तों, इस बीमारी में इंजेक्शन लगाना ज़रूरी नहीं होता है, ये बीमारी दवा से इजीली ठीक हो सकती है। और जो भी दवा मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही सस्ती दवा है, हर मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। यदि नहीं मिलती है तो आप मेरे नंबर पे फ़ोन करके आप हमसे सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, मैं दूसरी दवा बता दूँगा, दूसरी कंपनी का। तो दोस्तों, इस वीडियो से यदि कोई भी व्यक्ति ठीक होता है तो मेरे वीडियो में थैंक्स ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, मैं इंतज़ार करूंगा और मैं इसके इलाज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, पहली दवा है दोस्तों आकुवीर 400 mg, ये देखिए स्क्रीन में दिख रहा है। दोस्तों, पहली दवा है आकुवीर 400 mg, दूसरी दवा है दोस्तों लिवोसिट्रिजिन मॉन्टिलुकास्ट, ये देखिए दोस्तों स्क्रीन में दिख रहा है। तीसरी दवा है सिप्रोबिट 500 mg और चौथी दवा है फ्लेक्सान, ये देखिए दोस्तों स्क्रीन में दिख रहा है। ये चारों दवा किसी को यदि अधेड़ी हुआ है तो यह चारों दवा सुबह दोपहर शाम 3 टाइम यदि खिलाई जाए तो मरीज 10 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। ये अधेड़ी की बीमारी 10 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी। दोस्तों दोस्तों अधेड़ी के बारे में जो भी मैं दवाएं बता रहा हूँ, यह एडल्ट के लिए है। यदि बच्चों के लिए आपको इस्तेमाल करना है तो स्क्रीन में मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस पर आप फ़ोन करके कितना डोज लेना है, क्या लेना है, आप सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, नमस्कार।